खबर अयोध्या से है, जहां पर मिल्कीपुर के बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता को वह बेवकूफ बना रहे हैं, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करवाना चाहते। बोले, एक दिन पूर्व उन्होंने जब अपनी याचिका उठाने के लिए हाईकोर्ट गए तो सपा की तरफ से एक दर्जन अधिवक्ता पेश होकर विरोध कर अगली डेट लगवा दिया। जबकि सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में झूठ बोलते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं चाहती। बोले कि अगर मैं चुनाव नहीं चाहता तो कोर्ट में अर्जी उठाने के लिए क्यों जाता। बोले, सपा को मालूम है कि वह उपचुनाव में हार जाएगी, ऐसे में वह चुनाव नहीं करवाना चाहती। बाबा बोले कि आखिर कारण क्या है कि सपा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं चाहती है। जनता फैसला करे, भाजपा नहीं चाहती चुनाव या फिर सपा नहीं चाहती। देखिए, अभी हाल में जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के की तिथियां घोषित की, तुरंत हमको बधाई आना शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आदरणीय जेपीएस राठौर जी का एक बड़ा कार्यक्रम मिल्कीपुर चौराहे पे पंप पे कर रहे थे। तब तक अगले 10 मिनट में फिर एक फोन आता है कि यार मिल्कीपुर तो है ही नहीं, अब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हो गया। पता किया वहां से हम चले, तब पता चला कि मेरे और मेरे एक और प्रत्याशी थे शिवमूर्ति जी, दोनों के जो याचिका दायर है अवधेश जी के खिलाफ, उसके चलते मिल्कीपुर का चुनाव रोका गया। अब चूंकि उसमें उस समय हम लोगों ने जब 22 के चुनाव में जब हम लोगों ने चुनाव देखा कि जिस कागज पे माननीय उदय जी विधायक हुए हैं उसके नोटरी कर्ता का लाइसेंस 10 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। ऐसा नहीं कि मेरा विषय कमजोर था, उसी तरीके के विषय में आदरणीय अनूप गुप्ता जी MLC बने, उसमें बहस हुई, वो बन गए थे, चूंकि वो मामला आयोग पे था, आयोग ने तुरंत उसको फैसला दिया। ये मामला मेरा मामला कोर्ट में था, मामला चल रहा था। इसी बीच में अयोध्या में बड़ा परिवर्तन होता है, माननीय अवधेश जी सांसद हो जाते हैं और सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये हुआ, विधिक राय ली गई कि मामला कुछ है नहीं और चुनाव होगा। पर नहीं, देखिए, हार के डर से क्यों करती, चलिए कोई भूल हुई थी उसको भूल नहीं कहेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें मान लीजिए हमने विधिक राय ली, उसमें हम कमजोर पड़ गए। ये मामला पूरे देश के लिए नया था, ये नहीं है कि कोई बहुत पुराना मामला। इस तरीके कभी किसी मामले किसी को ये भी नहीं पता कि नोटरी जो कराते हैं, मैं बता दूंगा तो चौंकाने वाली बात होगी, विधायकगण अपना नोटरी चेक कर ले अभी और पता करेंगे तो मुझे लगता है सैकड़ों विधायकों की नोटरी इसी तरीके से गड़बड़ होगी। नोटरी नियमावली में साफ साफ लिखा है कि आपका लाइसेंस खत्म है तो आप नोटरी नहीं कर सकते। उसका जीता जागता उदाहरण आप चले जाइए, MLC साहब हैं अनूप गुप्ता जी, उनके वाले पे इस कानून को फॉलो किया गया। अब मान लीजिए जैसे मुझे पता चला, मुझे अगर चुनाव नहीं चाहिए था, दर्द ना होता तो मैं हाईकोर्ट जाता क्यों? मैं आता आपके सामने, कहता नहीं मैं सजा दिलाऊंगा, वो गलत है, मैं झौवा भर की बात करता। अमर उजाला ने इसको छापा भी, अमर उजाला ने बताया कि अच्छा ये छपा भी सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जी, पता चला रातों रात कागज बना मुझे और सुबह उठते ही हम लोग सीधे कोर्ट की शरण में पहुंचे और हमने याचिका वापस लेने का निवेदन किया। कोर्ट ने सुना भी, तत्काल अगले दिन का डेट लग गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। कल जैसे मेरा नंबर आया तकरीबन 1:30 बजे करीब, तैसे मेरे अधिवक्ता गए, तैसे मैंने देखा दूसरे टेबल पे दर्जनों वकील खड़े हो गए इस बात की बहस करने के लिए कि याचिका ऐसे कैसे आप वापस ले लेंगे। तो बहस हुई कि भाई आपके क्लाइंट ने तो इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गई, अब हम वापस ले रहे हैं, जिसमें लड़ाई किस बात की। तो कानून का हवाला, बहुत देर तक बहस चली। एक में जज साहब ने पूछा भी कि ठीक है, इसमें आप अवधेश जी के वकील थे, आप बहस कर सकते हैं। हमारे अधिवक्ताओं ने उनको टोका कि आप किस आधार से यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि भाई किस आधार से आए, हम माननीय अवधेश प्रसाद जी के वकील है, हमारा वकालतनामा लगा है। तो कहे दूसरे में, तो कह ये लीजिए दूसरे का लीजिए, हम दोनों में आज अफेयर हो रहे हैं। फिर जज साहब ने उस बहस को कंटिन्यू रखा, लंच के बाद भी आए, फिर काफी देर बहस हुई और बहस में मामला समाजवादी ने लटका दिया और मामला ये हुआ कि गजट कराइए और 15 दिन बाद आपकी डेट लगेगी। इससे हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था। हम बस इतना पूछना चाहते क्या था, हम बहुत वकील नहीं हैं, बहुत बड़ा अधिवक्ता नहीं हैं, हम करा पाते ना करा पाते
ये एक दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब था, कृपया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग बताएं। अरे भाई, कोई आदमी पकड़ा जाता है विपक्ष में, जब वकील खड़ा करता है तो पीड़ित पक्ष यही कहता है फलाने मारा है, उनके अधिवक्ता कितनी दिन वो जेल में रहे इसके लिए जिरा करते हैं, तत्काल उसको सजा पड़े। जब हम अपनी याचिका वापस ले रहे थे, विड्रा कर रहे थे, किसी चीज में आपत्ति आ जाएगी तो कुर्सी पर बैठे जज साहब निर्णय तो लेंगे। हम कह, हमारा सीधा बात है, चलिए हम उन्हीं की बात सब मानते हैं। जब आप इतना नियम कानून जान रहे थे कि इसमें टाइम लगेगा तो फटे में टांग क्यों अड़ाई, क्यों आपने एक दर्जन वकील भेजा? हम तो आप ही बात का समर्थन करते हैं। चलिए हम उस मामले में हमसे भूल हुई, चूक हुई। आपने कल क्या कहा, जो सुबह आप सर्वे बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, आपको कोई सर्वे भेजता है, माननीय अखिलेश जी को भेजता है, उसमें तो मिल्कीपुर हरा रहे। कल क्या था हमको, बस हम यही पूछना चाहते हैं। नहीं, कोशिश खूब हुई, ऐसा नहीं है। फिर इस बीच में चुनाव आ गया, वो सांसद चुन लिए गए, शिथिलता आई, फिर वो जीत गए, इस्तीफा हो गया। इन सब में भी आपने देखा तकरीबन एक साल तो ये भी चला गया, एक साल तो वो अपेयर ही नहीं हुए। हर आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो सोचता है जल्दी नोटिस ना लें। मुकदमा चलाने के लिए आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, कोर्ट है, महाधिवक्ता है, उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। देखिए, मैं मुझे अपनी अपना विषय, क्या जो भी कोर्ट की शरण में जाते हैं दो पक्ष, क्या दोनों को न्याय मिलता है? न्याय तो किसी एक को मिलता है, वो भी गुण दोष के, और जो भारतीय संविधान उसके तहत दिया जाता है। तो ये कहना कि प्रयास नहीं हुआ, सब प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब चूंकि अब नई बात आ गई है, हमारा केवल एक ही चीज है, आप लोगों से बात करने का एक ही पीड़ा है। चलिए ठीक है, हम करा पाते ना करा पाते, आप लोगों को सारी जानकारी थी, एक दर्जन वकील भेजना और वकालतनामा लगाना ये किस बात को दर्शाता है, कृपया अवधेश जी या समाजवादी के वरिष्ठ नेता बता दें आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, अगर कहीं मन में होता तत्काल पार्टी के बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी, आप देखिए लखनऊ में छपा है और टीवी चल रहा होगा हर जगह, बाकायदा आयोग से उन्होंने मुलाकात की, सिफारिश की कि मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे। मैं रूलिंग भूल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी लोग लेके गए थे और चुनाव आयोग के समक्ष रखा, बाकायदा बात हुई, ये हुआ बाकायदा। अखिलेश जी का वक्तव्य सुनिए, उन्होंने कहा कि दो दिन में रीट अगर वापस हो गई तो चुनाव होगा, सुबह सुबह उन्होंने कहा है, सुबह कहा और 1:30 बजे कांड तुरंत कर दिया है। सुबह काउंटर इंटरव्यू मुझे किसी ने कल भेजा शाम को, उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि अगर आज दो दिन के अंदर याचिका वापस होती है तो चुनाव होगा। तो भैया 1:30 बजे तुम्हें कौन माछी छींक मारे रही कि जो एक दर्जन वकील भेज दियो, हम करा पाते ना करा पाते, फिर संजय का चिल्लाते, छाती पीटते। तो ये कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी डर गई है और खासकर बाबा गोरखनाथ से बहुत डर गई। जमीन खिसकने के बराबर थी। अब चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विधायक रहा हूं, पार्टी में सक्रियता रहती है मेरी, तो मैंने तुरंत इस बात को, तब तक फोन आ भी रहा था, मैं तुरंत जाके मैंने सबको सूचित किया अपने जिले में, उस पर निर्णय आज नहीं पा। हम लोग तैयारी कर चुके थे, 2.5 महीने से तैयारी चल चुकी थी, मन में कहीं ऐसा नहीं था कि चुनाव मिल्कीपुर का ना हो। सब हमने वापसी के लिए कह भी दिया, अगले दिन हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से आयोग से मुलाकात भी कर ली कि ये विड्रॉ हो जाएगा, हमने याचिका डाली और कल उस पर सुनवाई थी, कल ही का डेट लगा दिया, आदरणीय पंकज भाटिया जी की कोर्ट थी। जैसे मेरा नंबर आया हम लोग बहुत खुश भी थे, चलो आज वापस हो जाएगी और सिफारिश हो जाएगी तो चुनाव समय पर हो जाएगा, मिल्कीपुर की जनता सफर नहीं करेगी। एकाएक में हम लोग कुछ समझते बात रखी जा रही थी, तब तक ऑब्जेक्शन आ गया और दर्जनों वकील समाजवादी पार्टी जो छाती पीट रही थी, चिल्ला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव नहीं चाहती है, जिसने जंग टाली उसने जंग हारी,
इनका दोहरा मापदंड उसी कोर्ट में दिखाई पड़ गया। इतनी बड़ी बात, दर्जनों वकील इस बात के लिए बहस करने लगे इन्हें ऐसे कैसे वाचिका वापस होगी। हमारे विद्वान वकीलों ने तर्क रखा कि जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया उस बहुरी चाय समाजवादी की, आज हिंदुस्तान में बाकायदा छपा भी है कि मैंने तो वापस ले ली, मुझसे कोई मतलब नहीं, तो हाई कोर्ट में 12 वकील खड़ा करने की, दर्जनों वकील खड़ा करने की ऐसी कौन सी जरूरत समाजवादी को पड़ गई। उसमें बहस शुरू हुआ, जज साहब ने कम से कम 12-13 मिनट बहस चली, फिर उन्होंने मौका दे दिया कि ठीक है आप बाहर समझ लें, फिर लंच के बाद इस आपत्ति आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का बेल कराना है आपको, विपक्ष का वकील इसीलिए तो खड़ा होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पक्ष है जिसने अपराध किया वो जेल में रहे, कभी ये कागज मांगेगा कभी वो कागज मांगेगा। अब दाव पेच में मैंने देखा लंच के बाद बहस हुई, वो लोग भी लगे रहे, वो लोग मोटी मोटी किताबें जज साहब को इस बात के लिए देते रहे कि याचिका के नियम कानून बता रहे थे कि ऐसे याचिका वापस नहीं हो सकती है। उसमें कोर्ट ने अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।